वीडियो खत्म हो जाने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लेना प्लीज। जय भोले शिव शंकर, खोल दिल के ताले दिमाग के बंकर। आज सन 2021 की महाशिवरात्रि को मैं ऐसा तथ्य उजागर कर रहा हूं जो आज तक किसी ने ना किया होगा। हे भोले शिव शंकर के भक्तों, अब की बार जब भी तुम महादेव की तस्वीर या मूर्ति के सामने सर झुकाना तो उन्हें गौर से देखना और मेरी ये बात याद करना कि जिस भी कलाकार ने भोलेनाथ की तस्वीर पहली बार बनाई थी उसने कुछ ऐसे संदेश इस तस्वीर में छिपा दिए थे जो हमारे जीवन को सही दिशा की ओर ले जाते हैं। वो हमसे कुछ कहते हैं, आइए उन संदेशों को आज उजागर करते हैं और उनसे मिलने वाली सीख को पूरे संसार में फैलाते हैं। संदेश नंबर एक, शिवजी के मस्तक से निकलकर बहने वाली गंगा। क्या उस कलाकार ने मस्तक से बहते पानी की बात कही है? नहीं, मस्तक से बहते हैं विचार जो जलधारा के समान बहते हैं, और गंगा पानी को नहीं पवित्रता को दर्शाती है। तो इसका अर्थ हुआ ये कि हमारे सभी बहते हुए विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। संदेश नंबर दो, शिवजी के गले में लिपटा सांप। तो दोस्तों, सांप देखते ही हमें क्या याद आता है? उसका डसना, जहर और मृत्यु। तो इसका अर्थ हुआ ये कि मृत्यु तो हर समय हमारे करीब है, जाने किस घड़ी में वो हमें गले लगा ले। एक पल भी नहीं लगेगा उसे हम तक पहुंचने में। तो जो करना है इस जीवन में करना है और मृत्यु पश्चात उसी शिव तत्व में विलीन हो जाना है। संदेश नंबर तीन, शिवजी के माथे पर तीसरा नेत्र। ये तीसरा नेत्र और कुछ नहीं, विवेक की दृष्टि है जिसके खुल जाने पर सभी बुराइयों और मानसिक दोषों का नाश हो जाता है। और इसका अर्थ हुआ ये कि हमें अपने सोए हुए विवेक को जगाना है और अपने अंदर की सभी बुराइयों का नाश करना है। संदेश नंबर चार, शिव का नीला कंठ। कथाएं भी बताती हैं कि समुद्र मंथन से निकला विष भोलेनाथ ने पी लिया था। समुद्र मंथन तो हमारे अपने अंदर का ही मंथन है जिससे अच्छाई बुराई सब अलग अलग हो जाती है। तो इसका अर्थ हुआ ये कि जहर तो हमारे कंठ यानी हमारी वाणी में ही होता है। हम अपनी वाणी से, अपनी बातों से जहर कभी ना उगलें, उसे कंठ में ही रोक लें। संदेश नंबर पांच, शिव का त्रिशूल। त्रिशूल के तीनों शूल काल को दर्शाते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। वर्तमान भूत और भविष्य के बीच में होता है और बीच का ही शूल दोनों से बड़ा और ऊंचा है। इसका अर्थ हुआ ये कि हमें पास्ट और फ्यूचर का ध्यान तो रखना ही है पर अधिक ध्यान वर्तमान यानी प्रेजेंट पर रखना है, क्योंकि वही सबसे बड़ा यानी इंपॉर्टेंट है। और यही ध्यान रखने यानी अटेंशन बनाए रखने के लिए त्रिशूल में लगा है डमरू। संदेश नंबर छह, डुक 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 डुक, जरा वर्तमान पर ध्यान लगाओ। संदेश नंबर सात, शिव का साधु भेष। जो व्यक्ति पिछले सभी छह संदेशों में खुद को ढाल ले या साध ले, बहकने ना दे, वही साधु है, वही शिवमय है। संदेश नंबर आठ, शिव बैठे हैं शेर की खाल पर, यानी शौर्य और वीरता पर विराजमान है वो साधु। और ये संदेश दे रहा है कि प्राणी मरने के बाद भी काम आए, मतलब कि हम कुछ ऐसा दे जाएं इस संसार को कि मरने के बाद भी हमारा दिया हुआ संसार के काम आए। संदेश नंबर नौ, शिव के सर के ऊपर चांद। जब चांद निकला हो तब आप बाहर निकलकर देखिए, चांद कहां होगा? आपके सर के ऊपर। और उसी वक्त मैं निकलकर देखूं तो वही चांद मेरे सर के ऊपर भी होगा। तो इसका अर्थ हुआ ये कि आप अपने आप को शिव के रूप में देखिए। मैं खुद को शिव के रूप में देखूं और पिछले सभी आठ संदेशों को अपना लूं और शिवमय हो जाऊं, शिव ही हो जाऊं। आप भी शिवमय हो जाएं, शिव ही हो जाएं। और ये सारे संदेश केवल पुरुषों के लिए नहीं है बल्कि स्त्रियों के लिए भी हैं। हम सभी को शिवमय होना चाहिए, तभी अर्धनारीश्वर भी शिव का ही दूसरा रूप है। पुरुष तत्व है कर्म के लिए, पुरुषार्थ के लिए। स्त्री तत्व है ममता के लिए, केयर करने के लिए। तो अर्धनारीश्वर का अर्थ हुआ ये कि हर पुरुष अपने अंदर स्त्री को देखे और हर स्त्री अपने अंदर पुरुष को भी देखे, यानी हर पुरुष अपने अंदर पवित्रता और कर्म को भी देखे और ममता और केयर को भी देखे, और इसी तरह हर स्त्री भी अपने भीतर पवित्रता, कर्म, ममता और केयर देखे। संदेश नंबर 10, शिव को पूजा जाता है, ईश्वर माना जाता है, यानी आदर से देखा जाता है। तो जो शिवमय हुआ वही आदर का पात्र हो गया, समझ लो। तुम शिवमय हो जाओ, मैं तुम्हारा आदर करूं।
हम सब शिवमय हो जाएं, सभी एक दूसरे का आदर करने लगे, सभी आदरणीय हो जाएं, शिव हो जाएं, भोले हो जाएं। जय भोले शिव शंकर, खोल दिल के ताले, दिमाग के बंकर। अब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबा दीजिए और शेयर करके इस संदेश को पूरे संसार के हर बंदे तक पहुंचा दीजिए। हैप्पी महाशिवरात्रि 2021। और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लेना प्लीज।